भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ पार कर चुका है। ऐसे में सभी को बेसब्री से इंतजार है तो वो कोरोना वैक्सीन का। वहीं अब कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुझे लगता है कि अगले वर्ष जनवरी के महीने में किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहली वैक्सीन देने की स्थिति में आ जाएं। भारत वैक्सीन के विकास और रिसर्च में किसी से पीछे नहीं है। वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभावशीलता, प्रतिरक्षा जनकता को लेकर भारत किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। हमारे रेगुलेटर बहुत गहराई और गंभीरता से आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत सरकार पिछले 4 महीनों से राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां कर रही है। 30 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी, उसमें 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 वर्ष से अधिक उम्र के 26 करोड़ लोग और 50 वर्ष से कम उम्र के करीब 1 करोड़ लोग हैं जिनको कोई बीमारी है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।